वजह जो के जानवर होते हैं उनको उनको घास वगैरह डाला जाता है जिनमें, तो फ्रेंड सही। तो भाई ये लकड़ियाँ बेंच आप बनाते हो? तो वेलकम जी बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे एक और नए वीडियो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड ठीक होंगे। तो आज मैं स्टूडियो भाई को दिखाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में लकड़ आरा जिसे कहा जाता है, जो कि लकड़ी का यानी काटे वगैरह हैं। तो फ्रेंड्स आप कुछ स्टूडियो भाई को देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्पेक मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स इस तरफ से देखते हो जो कि भाई ने अभी मशीन वगैरह बंद कर रही है, तो इस तरफ से देखते हो भाई जो के आ रहा है उसको जो के तेज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है जो के भाई जो के मशीन से तेज़ कर रहे हैं इसको। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मशीन तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होती है मशीन जो के जहाँ से जो के बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काटी जाती है। तो फ्रेंड देख सकते हो दो भाई जो के काट रहे हैं लकड़ियों को। तो फ्रेंड्स ये होती है मशीन जो के बिजली पे चलती है और देख सकते हो मोटर लगी हुई है। तो देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर इस तरफ से बात की जाए तो देख सकते हो आप कुछ भाई जो के हाथ से लकड़ियां काट रहे हैं और कुछ भाई जो के मशीन के जरिए लकड़ियों को काट रहे हैं। तो देख सकते हो आप तो फ्रेंड्स इस तरफ से लेके चलते हैं जहाँ पे जो के भाई जो के सामान वगैरह बनाते हैं लकड़ियों के यानी के बेंच वगैरह। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से तो देख सकते हो आप यानी कि यहाँ पे बेंच वगैरह लकड़ी के से तैयार किए जाते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ्रेंड। तो भैया कैसे हो, क्या नाम है भाई आपका? सही। तो भाई ये लकड़ियाँ बेंच आप बनाते हो? तो सही है। कितने सालों से ये काम वगैरह कर रहे हो आप? 6 साल। तो यानी कि भाई को 6 साल हो चुके हैं जो कि ये लकड़ी के बेंच वगैरह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से बात की जाए जो कि लेके चलते हैं आप भाई को,
तो देख सकते हो कुछ यानी कि इस तरह से लकड़ियाँ होती है, और ये होती है मशीन जिससे यानी कि लकड़ी को काटा जाता है और इस तरह से बेंच वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड कुछ यहाँ पे औजार वगैरह पड़े हैं भाई के। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से बात की जाए जो कि ये होती है बंदर जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज है, जो कि जानवर होते हैं उनको घास वगैरह डाला जाता है जिनमें, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से होती है। तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स कुछ इस तरह भी बनाई हुई है भाइयों ने। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो फ्रेंड्स आप देखते हो इस तरह से जो कि लकड़ियाँ वगैरह काट के जो कि अभी हमने रखे पे लाद लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते अगर बात की जाए, और फ्रेंड्स ये होती है जो कि कुर्सी वगैरह जो कि बैठने के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनाई हुई है भाइयों ने। तो फ्रेंड्स अभी हमने लकड़ियाँ वगैरह लाद लिए, और इस तरह से देख सकते जो कि चारपाई बनाने के लिए जो कि बाले वगैरह जिसे कहते हैं वो निकाले गए हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से है व्यू, तो देख सकते हो लकड़ारे का। तो देख सकते हो फ्रेंड्स तो इस तरह भी लकड़ियाँ पड़ी हुई है जो कि हमारे मुस्लिम भाइयों के आ रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, और ये है मशीन जिससे लकड़ी वगैरह काटी जाती है। तो फ्रेंड जैसा कि आप भाई ने देखा जो कि लकड़ारा जो कि मशीन के ज़रिए कुछ भाई लकड़ियाँ वगैरह काट रहे हैं, और कुछ भाई देख सकते हो हाथ से यानी कि लकड़ियों को काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था लकड़ारा, तो देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स चारों तरफ आप भाई को लकड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और फ्रेंड्स कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तब तक के लिए बाय बाय।